सिया राम। हम लोग सुबह 3 बजे आ चुके हैं और स्फटिक शिवलिंग के दर्शन के लिए गए। बहुत ही सुंदर छोटा सा व्हाइट ट्रांसपेरेंट, ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ समुद्र, विशाल का है समुद्र। छत पे भी जा सकते हैं। और सुबह सुबह लगभग 5 बजे का समय है, हम लोग उठे हैं। ये देखिए हमारे घर के सामने जो एक और निवास स्थान, सूरज की लालिमा आप आकाश में देख सकते हैं। ये है रामेश्वरम का दक्षिण द्वार, आप यहाँ से देख सकते हैं, रामेश्वरम के दर्शन कर सकते हैं। ये हमारा भक्त निवास। और आज हम लोगों ने सुबह 3 बजे अस्पट लाइन में लगे और 4:30 बजे मंदिर खुलने के बाद अस्फटिक शिवलिंग का दर्शन। राम राम सबको, राम राम। कैसा रहा आपका अनुभव आज दर्शन का? बहुत अच्छा रहा भैया। और सुबह सुबह हम लोगों को लगा ही नहीं कि हम इतनी जल्दी उठ रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं, बस नहाया, मंदिर गए, वहाँ पे जल्दी से दर्शन हो गए, तो मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अब अस्फटिक शिवलिंग के दर्शन के बाद आगे का क्या प्लान है? आगे अब हम लोग जाएंगे धनुषकोडी, अब वहाँ पे जाके फिर आगे का मुझे ज्यादा पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, धनुषकोटी से श्रीलंका, जो भगवान ने राम सेतु बनाया था वो धनुषकोटी से ही मतलब वो चालू होता है, तो राम सेतु का कुछ हिस्सा हम लोग को देखने को मिलेगा जो धनुषकोटी में। ये फिर से आप लोग देखिए, जय सिया राम। अरे उर्पी सुनो, उर्पी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, आ जाओ, खुजली करवानी है, लाओ। चलो जाए अब हम, बाय बाय उर्पी, भूख लगी है, बाय उर्पी। सुनिए सुनिए, कहेंगे पौरे भैया। और थोड़ी हमको अपनी भाषा भी सिखाइएगा थोड़ी सी रास्ते में। हाँ जी, हाँ बैठो ना, आओ चलेंगे जी। वॉलेट है ना, हमारी यात्रा शुरू हो गई। राम सेतु देखने जा रहे हैं जो भगवान राम ने अपने हाथों से खुद बनाया। राम कुंड हम लोग देख ही चुके हैं। हाँ, राम कुंड देख लिया, पंचमुखी देख लिया, और वो पत्थर भी देख लिया जो है ना नल नीले कलर के, पंचमुखी हनुमान जी भी देख लिए हैं। बिल्ली का नाम उर्पी है। उर्पी उर्पी उर्पी, हाँ मतलब उर्पी, इधर आओ खुजली करवानी है, तो बस आगे पेट करके खड़ी हो गई खुजली करी, मतलब की अभी जाए हम तो चलती हो हम आपको।
है, लेकिन यहाँ से तो, यहाँ पे तो बहुत लोग आए हुए हैं ऑलरेडी, लोगों ने उगता हुआ सूरज इधर ही देखा है। ये देखिए मैं धनुषकोडी में हूँ और हमारे पीछे समुद्र है, नीरज है, ये देख रहे हैं। पीछे समुद्र है हमारे, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ श्री नीरज कुमार। इनका मानना है कि यहाँ पर दो समुद्र का मिलन होता है, एक उधर बंगाल की खाड़ी है और इधर इंडियन ओशियन है। आप गूगल पे चेक भी कर सकते हैं क्योंकि लहरों के संयोग से भी आप देख सकते हैं। पीछे आप दिखाई थोड़ा सा हमारे दर्शक, ये सूर्य कैसे चमक रहा है, देखो वहाँ पार्टीशन नहीं लग रहा, वो वाला ये देखो देखो वहाँ पार्टीशन है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लहरें देखिए इधर से उधर जा रही है, उधर वाली इधर आ रही है। थैंक यू, मतलब मैंने बहुत मन था यहाँ आने के लिए। शॉर्ट नोटिस में हम लोग यहाँ पे आ गए, तो जब भगवान जी बुलाते हैं तो आ ही जाते हैं। तो यहाँ के बारे में कुछ बताओ कि यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे बस राम सेतु है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब ये इंडिया का लास्ट पॉइंट।